हेलो गाइस, वेलकम टू स्टीवन व्लॉग्स। और हम हैं दो बहुत ही सुंदर लड़कियां। कैसा लगा मेरा मजाक? ये रहा स्टीवन, इसे भी हेलो बोल दो, अपने ही व्लॉग समझ तू भी। गुड मॉर्निंग शिमला, जयशंकर महाराज। तो संडे का दिन, और देखिए पेरेंट्स संडे होता है शिमला में, और संडे के दिन भी हम कॉलेज जाएंगे। क्यों जाएंगे, उसके पीछे बड़ी वजह, क्या वजह है वो तो आपको पता लग ही जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए संडे का मौसम बहुत अच्छी धूप खिली हुई, तो ठंड थोड़ी सी कम होती है जब धूप खिलती है, बाकी तो पता नहीं। तो आइए चलते हैं ट्रैक की ओर। दोस्तों मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा, कृपया वीडियो को शेयर करें। तुम शेयर नहीं करते यार, बड़ा दुख होता है। प्लीज़ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना सही रहेगा हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। देखिए जी, संडे के दिन पहुंच गए कॉलेज में, और मेरे साथ है ईशा, जिनका कोई फायदा नहीं इस कॉलेज में। दोस्तों ये थोड़ा सा प्यार था, थप्पड़ भी था। कैसा लग रहा है आज संडे के दिन? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है वैसे, हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा। हैप्पी बर्थडे हो रहा है अंदर, मनाते हैं। गाइस स्टीवन का बर्थडे आने वाला है, क्या आपको पता? आपको कैसे पता? मुझे स्टीवन ने बताया था। हाँ मैंने खुद बताया था दोस्तों, कब है किसी को पता नहीं है। मुझे पता है गाइस, मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करूंगी इसी के व्लॉग में। मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी स्टीवन का बर्थडे कब है। आई होप आप सब आए। और ये हमारे साथ आ गया है अर्जुन, बहुत महान व्यक्ति है ये सपनों में। थैंक यू सो मच। इसके आगे इनको इंग्लिश नहीं आती, हमको भी इतनी आती है। कुछ रुपए दे दे, 10 रुपए चाहिए। सच में इसको चाहिए, वो बहुत मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। यहाँ देखो गरीब तो मैं भी हूँ, गरीब हूँ बहुत ज्यादा। देखो पैंट भी फटी हुई पहनी है। देखो गाइस ये तो फैशन होता है, मैं भी गरीब हूँ, मेरे को भी थोड़ा पैसे दान करें। देखिए ड्रामेटिक सोसाइटी में चैंपियन हो गए। और पूर्णिमा दीदी नमस्ते, अर्जुन भैया सिंगर है, कोई बात नहीं। कैसे हो? नमस्कार, बहुत अच्छी बात है। तो ये स्वास्तिक जी कैसे हैं? लेट आए हैं लेकिन राइडर है। आज ऑडिटोरियम था बंद, इसलिए हम कर रहे हैं रूम 17 में प्रैक्टिस। संडे वाले दिन भी आए हैं, वो भी सुबह कितने बजे? 10:30। कितने जल्दी आ गए थे हम। ओके बाय, अब हम मिलेंगे, रोज ही मिलेंगे। ओह यार ये कितनी औसम है यार। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। ओ, 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 ओ जाने तेरी आंखें थी बातें थी वजह। Hey guys, तो देखिए अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो मेरे साथ आइए, अगर आपको मौत से प्यार है तो मेरे साथ आइए, अगर आप इस जिंदगी से नष्ट हो चुके हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आप लाइफ नहीं जी सकते। कैमरा में थोड़े आ गया, क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? अगर आपको मृत्यु चाहिए, मृत्यु मतलब ऐसा है कि जो व्यक्ति ना, कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में दुख हो जाते हैं, तो आप मेरे साथ आइए। हाँ ये देखो, ये पीछे दिखाइए इनको, ये भी अपने मौत की ओर जा रहे, इसलिए बैठ रहे पीछे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। Hey guys, वैसे काफी अच्छा दिन रहा, और तुम्हारा भाई अब रूम की ओर जाता हुआ, अभी काफी अच्छे तरीके से माए,
दोस्तों सुंडू बाबा की किताब से आपके साथ एक और बात। तो सुंडू बाबा कहते हैं कि लाइफ में ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या आपको कैसे जज करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पहले खुद की सुननी पड़ेगी, लोगों की नहीं। जब तक आप खुद की नहीं सुन सकते तो अब तक आपका बेस्ट बाहर नहीं आएगा। जब तक बेस्ट नहीं आएगा तब तक आप इस कंपटीशन में नहीं जीत सकते, क्योंकि हर चीज़ में हर इंसान आपसे बेटर है। लाखों लोग आपके क्षेत्र में आपसे अच्छे हैं, आप ही क्यों आगे जाएं? इसके लिए एक ही कारण होता है, वो है अगर आप अपनी सुनोगे। और अगर आप अपनी सुनोगे तो आपको बहुत लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, हो सकता है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, किसी को भी। तो इग्नोर करना सीखे अगर सक्सेस चाहिए। जय शंकर महाराज।